दोस्त कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ग्रहों के बारे में, जो गिरे हैं हमारे। बुध यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यहाँ दिन अति गर्म व रात बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक अधिक है। इसका तापमान रात में कम हो जाता है। अब शुक्र ग्रह, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे साँझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भंगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति ग्रह यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमेड सभी ग्रहों से सबसे बड़ा है। वह मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके दिन का मान अक्ष पर झुका पृथ्वी के समान है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोकोस डीमोस। अब है शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। फोकोस नामक शनि का उपग्रह इसी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करत है। अरुण ग्रह यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सी है। वरुण ग्रह इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की। इसके चारों ओर अति शीतल मेथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में टाइटन प्रमुख है। अब सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किमी है। इसकी गणना सर्वप्रथम एरिस्टॉटल ने की। अब है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांत सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछड़ा भाग है जो अधिकारमय होता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्ण करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58
48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ की पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। अपोलो के अंतरिक्ष यंत्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों में पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। इन चट्टानों में टाइटोनियस अधिक मात्रा में है। विलोमन एक कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाएं हो तो पृथ्वी दूसरी परिक्रमा जिसका चंद्र मून विलोम कहलाता है। इनका मुख्य दो परिक्रमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों में कम होना ऐसा 2-3 साल पर होता है। अस्त 12 में दो पूर्णिमा इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को कहा गया। आज के लिए इतना ही।